जी नमस्कार। नमस्कार, क्या नाम है आपका? शाहिना गर्ग। साइना जी, कहाँ से आए हो आप? डिस्ट्रिक्ट शिमला, हिमाचल प्रदेश। क्या करते हैं आप? मैं ग्रेजुएट हूँ, अब पढ़ाई कर रही हूँ, आगे एमए कर रही हूँ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? जैसे रोजे रखना, नमाज पढ़ना, उस तरह से करती थी। तो मतलब मुझे परमात्मा की खोज थी कि परमात्मा कौन है, तो मैं उसी तरह से साधना करती, लेकिन मुझे कोई लाभ नहीं होता था उससे। मतलब उल्टा और दिक्कतें, परेशानियां रहती थी। किस प्रकार की समस्या थी आपको? मतलब भूत प्रेत की समस्या होने लग गई थी। किसी ने मतलब कर दिया था, जब दिखाने गए किसी को तांत्रिक के पास, तो उन्होंने कहा कि पीर वगैरह छोड़े हुए हैं, जैसे मुसलमान धर्म में होते हैं, मुसलमानी पीर छोड़ा हुआ है। तो सब देखने गए तो सब यही बोलते थे कि ठीक हो जाएंगे, मतलब जंतर वगैरह, धुनी वगैरह दे देते थे। तो ठीक नहीं हो पाती थी मैं, मतलब थोड़े टाइम ठीक होंगी, फिर वही हाल हो जाती थी। फिर मैंने एक हिंदू धर्म में शादी की, तो हिंदू धर्म में शादी करने के बाद जो उस वहाँ पे जो परंपरा है, जिस तरह की देवी देवताओं की पूजा करते हैं, वो भी करती थी मैं, क्या शायद यहीं पे परमात्मा मिल जाए। तो वहाँ पे भी कोई लाभ नहीं होता। 3-4 महीने थोड़ा ठीक रही, उसके बाद फिर वही दिक्कत होने लग गई, उसी मुसलमानी पीर जो लगाया हुआ था, वो दिक्कत होने लगी। तो मेरे ससुर मुझे दिखाने ले जाते थे कभी तांत्रिक के पास, पंडितों के पास, तो सब यही कहते थे कि ठीक हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। फिर वो दे देते जंतर वगैरह दे देते, फिर थोड़े टाइम में वो ख़राब हो जाते, फिर करते थे फिर और करवाना पड़ेगा, फिर से जंतर लगवाना पड़ेगा। फिर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा था सब कुछ, मतलब दिक्कतें इतनी, पर मैं मेंटली परेशान बहुत हो गई थी। घर से भाग जाती थी, मतलब मुझे बहुत दूर से पकड़ के भी लेके आते थे घर वाले कि पता नहीं कहाँ चली जाती है, बहुत दिक्कत। आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं थी फिर हमारी। फिर उसके बाद हमारे रिलेशन में ही है शिमला में, उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली हुई है पहले से, तो हम उनके पास गए कि इस तरीके से प्रॉब्लम होती है तो अब क्या करें। फिर उन्होंने कहा कि आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जाइए, आपको कुछ नहीं होगा, आप ठीक हो जाओगे। फिर हमें कुछ अजीब सा लगा कि नहीं, ये ऐसा नहीं हो सकता, जैसे हम अब अपने तरीके से करते थे साधनाएं, तो हमें कुछ ठीक नहीं लगता था। फिर हम फिर घर चले गए, उन्होंने हमें किताब दी, ज्ञान गंगा पुस्तक दी, तो हम उसे लेके घर चले गए। 3-4 महीने वो किताब वैसे ही रही, हमने पढ़ी भी नहीं। फिर मतलब वो भूत प्रेत इतना परेशान करने लग जाता था। तांत्रिक घर पे आए, उन्होंने कहा कि यहाँ पे कुछ है कि जो इस लड़की को परेशान कर रहा है, पीछे से ही है, मतलब माइके से ही पीछे से ही है, किसी ने किया हुआ। तो हमने वो पुस्तक भी नहीं पढ़ी थी, मतलब जब बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होने लगी, फिर मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि कुछ तो इस किताब में होगा कि हम देख तो ले एक बार। फिर हमने उसको पढ़ा, फिर पढ़ने के बाद फिर हम इतना नहीं, मतलब कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा कैसे हो सकता है। फिर हम फिर अपने उन्हीं के रिलेशन में जो है उनके पास गए, जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली है, उनके पास गए। फिर उन्होंने कहा बेटा आप ये सब कुछ छोड़ो, देवी देवता कुछ इससे आगे कर्म को नहीं काट सकते, वो उतना ही दे सकते हैं जितना हमारे कर्मों में लिखा है। फिर उन्होंने कहा कि फिर उन्होंने बोला कि कर्म में जो लिखा है वही होगा। फिर हमने कहा कि ठीक है, जब बहुत ही दिक्कत होने लगी, फिर हमने बोला कि एक बार जाके देखते हैं आश्रम में, बरवाला आश्रम में। हमने जून 2014 में नाम दीक्षा ली गुरुजी से, संत रामपाल जी महाराज जी से। बहन जी, आपने बताया कि जब आपने संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तकें पढ़ी तो आपको बहुत अजीब लगा, ऐसा क्या लिखा था उस पुस्तक के अंदर? उसमें देवी देवताओं को, जैसे कि उनके अपने मूल मंत्र हैं, उनको ऐसे पूजा नहीं करना, जैसे धूप देते हैं हम या कहीं व्रत करते हैं, वो चीज़ उसमें सब कुछ मना थी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि पंडित क्या हमें गलत बताते थे। तो फिर मैं क्या, एक बार देखते हैं जाके, जब हम पंडितों का मान सकते हैं तो संत रामपाल जी की महाराज जी के शरण में जाके एक बार देखते हैं। आपको संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या कुछ लाभ भी मिला? बहुत लाभ मिले, मुझे तो बहुत ही लाभ मिले। मैं जब संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में गई, वहाँ पे लाइन लगी होती है आशीर्वाद के लिए, आशीर्वाद देते हैं, तो उन्होंने जैसे आशीर्वाद दिया, सिर पे हाथ रखा, उन्होंने कहा ठीक, सब ठीक हो जाएगा, सिर्फ इतना ही कहा, सब ठीक हो जाएगा। जैसे ही संत रामपाल जी महाराज जी ने सिर पे हाथ रखा, तो ऐसा लगा कि हमारे मन से पतन कितना बड़ा बोझ उतर गया, पतन कितना ही बोझ था हमारे सिर पे जो उतर गया। फिर मतलब सब कुछ ठीक हो गया हमारा, हम घर आए, हमने जोत जलाई, सब कुछ किया, फिर उसके बाद हमारा सब कुछ ठीक हो गया, मतलब कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं रही। मतलब जो मेरे को भूत प्रेत की बाधा थी वो भी चली गई, 3 सालों से हम दिखा रहे थे, कहीं भी ठीक नहीं हो रही थी वो भूत प्रेत की जो बाधा थी। पंडितों ने तो यहाँ तक ऐसा बोल दिया था कि इन दोनों की तो बनेगी नहीं, हस्बैंड वाइफ की बनेगी नहीं, इसको घर वापस भेज दो, ये जहाँ से ये आई है इसको वापस भेज दो। लेकिन हमने हार ही नहीं मानी, मेरे तलाक तक के पेपर रेडी हो गए थे, मेरे फादर ने तलाक के पेपर रेडी कर दिए थे कि 2 दिन बाद पेपर आ जाएंगे और आप तैयार रहना भी, पर हमने हार ही नहीं मानी। हम फिर संत रामपाल जी की शरण में चले गए, हमने कहा कि अब जब इतने के पास गए तो उनके पास जाके भी देखते हैं। तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपका जो तलाक होना था क्या वो हुआ? नहीं जी, आज हमारी शादी को 5 साल 6 साल हो गए हैं, तो वो
मतलब संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से वो बला ही टल गई सारी, और क्या क्या लाभ हुए? और हमारी आर्थिक स्थिति ठीक हो गई। मेरे हस्बैंड की जॉब नहीं होती थी, उनकी जॉब पहले पानीपत में लगी, कॉन्ट्रैक्ट पे लगे थे, 2-2.5 साल तक रहे, आज वो परमानेंट जॉब पे करनाल में लगे हैं। बहन जी, जैसा कि हम देखते हैं कि जो भी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेता है उनकी सारी समस्याएं दूर हो जाती है, उनकी बीमारियां ठीक हो जाती है, क्या संत रामपाल जी महाराज जी कोई क्रियाक्रम करने के लिए बोलते हैं या कोई जड़ी बूटी देते हैं या कोई दवाई देते हैं, क्या कारण है? ना ही वो कोई जड़ी बूटी देते हैं, ना ही वो कोई झाड़ा लगाते हैं, वो कुछ नहीं करते। वो सिर्फ जो हमारे शास्त्रों में जो साधना लिखी गई है उसे वो सही तरीके से हमें बताते हैं कि हमारे शास्त्रों में ये लिखा है, आप सही साधना करिए। देवी देवताओं को पूजना नहीं है, वो आदर के योग्य है, उन्हें आदर देना है, उन्हें सम्मान करना है, उनके मूल मंत्र हैं जो हमारे गीता जी में लिखे हैं। लेकिन हमारे पंडित जो है वो शास्त्रों के विरुद्ध ही साधना करवा रहे हैं, उन्होंने अर्थों के अनर्थ कर रखे हैं। वो बिल्कुल भी मतलब ऐसे कि अनजान आदमी होता है, जैसे अनजान बच्चा होता है उस तरह से वो काम कर रहे हैं। आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज को यही संदेश देना चाहूंगी कि आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आइए, पूर्ण मोक्ष उन्हीं से मिलेगा, वही शास्त्रों के अनुसार सही साधना बता रहे हैं। बाकी तो ये भटकावा है जो पंडित लोग, जो ये तांत्रिक वगैरह, ये जो बड़ी बड़ी दाढ़ी वगैरह ये लगा के रखते हैं, इनसे कुछ नहीं मिलने वाला, इनको कुछ खुद भी इनको कोई भी ज्ञान नहीं है। आप संत रामपाल जी महाराज को भगवान इसलिए बोल रहे हैं कि आपकी भूत प्रेत की बाधा ठीक हो गई, आपकी जो शादी टूटनी थी, आपका जो तलाक होना था उनके शरण माने से वो नहीं हुआ। लेकिन बहन जी, आज का जो समाज है वो ये बात कैसे मानेगा कि एक संत जो जेल में है वो एक पूर्ण संत हो सकता है, वो परमात्मा हो सकता है, भगवान हो सकता है? उन्हें मानना पड़ेगा, क्योंकि हमारे शास्त्रों में जो लिखा है वो देवी देवताओं की पूजा करना बिल्कुल व्यर्थ है, उसमें बिल्कुल लिखा ही नहीं है। व्रत करना भी मना है कि व्रत भी नहीं करना है, फिर भी उन्हें कोई लाभ नहीं होता। और हमारे संत रामपाल जी महाराज जी आज जेल में जरूर है, लेकिन वो सिर्फ हमारे लिए ही गए हैं, हमारा ही पूर्ण मोक्ष होगा उससे। जी धन्यवाद। धन्यवाद जी।